गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5, जिसमें प्रश्न नंबर है 4 दे रखा है कि उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब ये कि क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी और इसे हमें क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार का मतलब इसको और विस्तार में करके लिख देना है, ठीक है। और दिया भी है कि उचित सर्व संख्या का प्रयोग करके इसको विस्तार प्रसारित कर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग इसके पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो वैसे यहाँ पे तब दो पद थे, ए और बी थे, लेकिन क्या है कि इसमें जो है तीन पद दे रखा है। एक पहला पद है एक्स, दूसरा पद है टू वाई और तीसरा पद है फोर जेड, ठीक है। और पूरे का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप लोग ऑलरेडी इसका तो जान रहे हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। सेम इसी मेथड में भी है। तो पहले हम सवाल हल करने से पहले फार्मूला को देखेंगे कि फार्मूला कैसे, क्योंकि मेरा मकसद ये है मैथ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को मैथ सिखाना, कि बच्चे अपने आप जब सीख जाएंगे, जान जाएंगे, बेसिक चीज उनका मजबूत होगा तो मैथ मतलब कुछ नहीं, उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले हम इसे फार्मूला देखेंगे कैसे क्या हुआ है, कैसे आया है या क्या चीज़ हुआ है, क्योंकि फार्मूला आप जानते रहेंगे तो ऑलरेडी पूरे के पूरे क्वेश्चन सिर्फ एक ही फार्मूला पे है और वो जो फार्मूला आपको पता रहेगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले फार्मूला को देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई संख्या एक्स हो गया प्लस वाई हो गया प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो तीनों का हमें क्या करना है कि होल स्क्वायर कर देना है। तो जब तीनों का हम करेंगे तो इसको देखिए ऊपर दो है स्क्वायर और ब्रैकेट का है, यानी कि सबका स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको गुणा करेंगे। तो x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फिर x का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और फिर लास्ट में x का z से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड, ठीक है, प्लस एक्स जेड। तो पहले हमने क्या किया कि x से सब में किया, अब क्या करेंगे कि y से सब में करेंगे। तो y से जब करेंगे तो हो जाएगा आपका, y से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे, बात ये कि ये जैसे 5 गुणे आप 3 लिखेंगे तो भी आपका रिजल्ट उतना ही आएगा, या 3 गुणे 5 लिखेंगे तो भी आपका रिजल्ट उतना ही आएगा, ठीक है। यानी कि इसकी स्थान बदलने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो वाई के एक्स में करेंगे तो लिख सकते हैं कि वाई एक्स या एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई हो गया। अब फिर प्लस वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का दो बार करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई का जेड में करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड। अब देखिए पहले एक्स का किया फिर वाई का किया, अब क्या करेंगे कि जेड का करेंगे। तो जब जेड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड एक्स प्लस जेड का वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड वाई प्लस जेड का जेड में करेंगे क्या, जेड स्क्वायर। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हम जितने भी स्क्वायर वाले हैं उसको एक पास एक साथ लिख लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस। अब ध्यान देखेंगे कि कौन कौन से इसमें संख्या सेम है, मतलब जो भी है उसको सेम है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स वाई और फिर एक दो एक्स वाई, तो क्या हो गया, टू एक्स वाई प्लस दो प्लस। अब देखेंगे अब फिर क्या कि एक्स जेड है और फिर देखेंगे कहीं एक्स जेड है तो हाँ यहाँ पे है जेड एक्स और यहाँ पे है एक्स जेड। तो बात एक ही है तो लिख सकते हैं कि टू एक्स जेड प्लस, अब क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया वाई जेड और यहाँ पे बच गया जेड वाई, तो फिर लिखेंगे कि टू
जेड वाई, ठीक है, टू जेड वाई, बस हो गया। जब आपने फार्मूला समझ लिया तो समझिए क्वेश्चन भी हो गया, और बेस फार्मूला यहीं से आता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, फार्मूला के ऊपर आते हैं, फार्मूला हम आप समझ के, अब चलिए सवाल पे देखते हैं। तो क्या होता है कि जब भी, और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दूसरा, एक दूसरा तरीका समझिए फार्मूला का, क्या होता है कि अगर दे दे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पहले की सबका स्क्वायर लिख देंगे, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, दो पावर है तो दो पहले ला दीजिए, दो आप ध्यान से लिखे क्या करेंगे कि एक्स का वाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस, फिर दो है तो दो आ जाएगा दो, तो एक्स वाई में कर दिए तो, और फिर बचा कौन, वाई जेड में करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड प्लस, अब एक्स वाई हो गया, वाई जेड भी हो गया, अब क्या बचा, जेड वाई जेड एक्स बचा, तो लिख देंगे टू जेड एक्स, ठीक है। जो सेम वही चीज नीचे भी आया था, तो आप लोग अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे याद कर लिए, और फार्मूला ऐसे समझ गए तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या करेंगे कि देखिए पहले का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए बी का भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड के जगह पे क्या है कि फोर जेड है, तो फोर जेड का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फार्मूला पे लिख देंगे, तो प्लस दो और उसके बाद गुणा होता है ए बी का, तो ए का हो जाएगा गुणा एक्स गुणा टू वाई प्लस, फिर दो लिखेंगे, अब क्या आ जाएगा कि दो वाई का फोर जेड में हो जाएगा, तो लिखेंगे गुणा टू वाई गुणे फोर जेड, और हो गया फिर प्लस में, अब क्या बचा, जेड का एक्स में बचा, तो लिखेंगे दो गुणे फोर जेड गुणे में एक्स, बस अब इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर और टू वाई का स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका फोर वाई स्क्वायर प्लस, चार का करेंगे तो सोलह जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए दो का दो में करेंगे तो दो दूना चार, चार हो गया, और उसके चार संख्या में क्या होता है एक्स वाई, तो लिख देंगे एक्स वाई प्लस, फिर दो का दो में करेंगे तो दो दूना चार और चार चौ को सोलह, देखिए दो दूना चार और चार चार चौ को सोलह, तो हो गया सोलह, और फिर चार संख्या क्या बचा आपका वाई जेड बच गया, तो लिख देंगे वाई जेड, और यहाँ पे क्या बचा प्लस में, चार दूना आठ तो लिख देंगे आठ, और चार संख्या क्या बचा जेड एक्स, तो लिख देंगे जेड एक्स। तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसका दूसरा, दूसरा दे रखा है कि एक ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि टू एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है देखिए तो क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए और माइनस का वाई का स्क्वायर कर दीजिए प्लस जेड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि प्लस में टू, फिर हो जाएगा आपका ए, तो ए की जगह पे है टू एक्स गुणा बी का आपका है माइनस में वाई, अब क्या करेंगे फिर लिखेंगे प्लस दो, अब फिर क्या करेंगे माइनस वाई गुणा आपका हो जाएगा जेड, फिर प्लस दो, अब उसके बाद हो जाएगा दो, अब उसके बाद हो जाएगा आपका जेड, और जेड के बाद आपका गुणा में क्या टू एक्स। तो देखिए जब दो का करेंगे तो दो दूना चार, तो हो गया फोर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए माइनस में वाई का स्क्वायर, तो माइनस में वाई का यानी कि गुणा करना है दो बार माइनस वाई, और आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि जब भी गुणा में अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो मिलकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में, प्लस में आपका हो गया वाई का, ठीक।
स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हो गया फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आपका देखिए क्या आएगा, दो दुना छह चार एक्स और माइनस में वाई, तो हो जाएगा आपका माइनस में चार एक्स वाई। और फिर इसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस है, तो हो जाएगा माइनस टू वाई जेड। और यहाँ पे है, यहाँ पे तो सब में सब का सब प्लस में, तो लिख देंगे प्लस दो दुना छह, तो हो जाएगा चार एक्स जेड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसका हम देखते हैं लास्ट वाला, जो लास्ट वाला जो है कि बट्टा में दे रखा है, तो उसको लास्ट वाला बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग जो क्वेश्चन बच रहा है तीन चार पाँच, सेम इसी फार्मूला पे आप लोग रख के उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं लास्ट का। तो चलिए हम देखेंगे इसका प्रश्न चार का लास्ट वाला। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ तीन चार पाँच, क्योंकि बाकी सेम फार्मूला पे ही है, ये भी सेम फार्मूला पे ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि आपको बट्टा में दे रखा है, तो बट्टा में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए हम इसको पहले समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला में पहले लिख दे रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो और इन तीनों का होल स्क्वायर हो, तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो चलिए देखिए सेम इसी फार्मूला पे इसको रखेंगे। देखिए क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जैसे प्लस में दे रखा है, सभी के सभी प्लस में है फार्मूला में, जैसे ए प्लस बी प्लस सी था, तो सब में देखिए सिर्फ आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस आप भूल जाइए, जैसे बहुत फार्मूला में देगा कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे देगा, तो हमें प्लस माइनस से घबराइए मत, बस आप एक फार्मूला याद कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद सेम इसी फार्मूला पे हम उसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे कि सब में प्लस लगाते जाइए और जहाँ पे माइनस है उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, जैसे पहले का हम करेंगे तो हो जाएगा ए की जगह क्या है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक बटा में चार ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, बी की जगह क्या है कि आपका माइनस में एक बटा दो है, तो माइनस में तो इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए एक बटा दो, और बी भी है तो बी लिख लेंगे और इन दोनों सबका होल स्क्वायर। फिर प्लस में सी है तो प्लस में सी की जगह क्या है एक है, तो एक का स्क्वायर कर देंगे, प्लस टू ए बी है तो दो गुणे ए की जगह क्या है कि आपका एक बटा में चार ए है, और बी है तो बी की जगह पे क्या करेंगे, तो बी की जगह पे क्या है कि माइनस में तो एक बटा दो बी, तो देखिए यहाँ पे भी माइनस आया था, हमने क्या कि इसको ब्रेकेट में कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्लस में टू टू ए बी हो गया, अब देखेंगे टू बी सी, तो टू बी सी यहाँ से लिख दे रहे हैं प्लस दो गुणे बी की जगह क्या है कि माइनस में एक बटा दो बी और गुणा में है फिर एक प्लस, अब हो जाएगा टू सी ए, तो हो जाएगा टू और सी की जगह पे एक है गुणे एक और ए की जगह पे सी ए है, तो ए की जगह क्या है आपका एक बटा में चार ए। अब इसको हल करेंगे, हल क्या का मतलब इसको गुणा भाग जो भी चीजें कर देंगे, तो देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो गया, तो एक का स्क्वायर एक, फिर चार का जब हम स्क्वायर करेंगे तो चार चौक सोलह और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम प्लस है तो प्लस लगा दिए, हम ब्रैकेट में माइनस है लेकिन जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी कि गुणा दो बार जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में एक बटा और दो का क्या हो जाएगा चार, चार और बी का भी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा। आप देखिए क्या करेंगे कि प्लस दो का, तो दो का एक में करेंगे तो दो और दो बटा में चार, फिर दो का ऊपर करेंगे तो माइनस में दो हो गया, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि माइनस चार प्लस में लगा के लिख दे रहे हैं, एक स्टेप ऊपर लिख देंगे और तो हो जाएगा माइनस में दो बटा में चार गुना आठ, आठ
और ए बी है तो हो जाएगा आपका ए बी। अब देखेंगे इसका फिर, तो प्लस, ठीक, प्लस तो दो का फिर ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में दो बटा में नीचे क्या है दो, और गुणे बी है तो सिर्फ बी हो जाएगा ब्रैकेट बंद। और फिर क्या है कि प्लस, तो प्लस में दो गुणे एक गुणे एक बट्टा चार है तो हो जाएगा ऊपर गुणा करेंगे तो दो, दो बट्टा में चार और गुणा में है ये। ठीक, तो चलिए एक स्टेप हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं ताकि आपको ऊपर समझाया जा सके। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एक बटा 16, तो एक बटा में 16 ए स्क्वायर प्लस एक बटा चार बी स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर तो एक हो गया प्लस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस है और जब ब्रेकेट हटेगा तो अब ब्रेकेट में माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा आपका, तो हो गया माइनस, और 2/8 है तो इसको काट देंगे तो माइनस में आपका हो गया 1/4 ए बी। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस है और अंदर ब्रैकेट में माइनस है तो जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस, और 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया सिर्फ माइनस बी बचा, बी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर 2 है नीचे 1 है या 4 है तो 2 से 4 कट जाएगा यानी कि प्लस में आपका हो गया 1/4 ए। तो इस तरह से आप लोग देखें कि आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।